हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए इवनिंग का टाइम है और ये प्रीशु, ये देखिए, तो ये यहाँ पर खेल रही है अभी और खेल ही रही है एक्चुअली। ये अभी अपना ये बाहर ना टीवी चल रहा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तो ये वही अपना राइम्स अभी देख रही है। तो मैं अभी सोच रही थी चाय बनाने के लिए, लेकिन मेरा मन था अभी चाय बनाने के लिए, लेकिन चाय बनाने से पहले ना मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा काम कर लेती हूँ तो जल्दी खाना बनाने में भी इजी हो जाएगा। तो चाय अभी मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि ना अभी वो घर पर नहीं है, अभी कहीं गए हैं, तो जैसे ही आएंगे तो साथ में चाय बनाऊंगी। अभी संगीता भी नहीं आई है। मैं ना अभी साइड में आके अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं सामने रूम में प्रीशु बैठी है, अगर मैं वहाँ से अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी ना तो वो मुझे देख के रोने लगेगी। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं उसके राइम्स चल रहे हैं, तो वो अपना अभी राइम्स वगैरह देख रही है। और मैं बाहर अपना व्लॉग बना रही थी ना, तो ये अंदर से बहुत जोर जोर से ना ये चिल्लाने की आवाज आ रही थी, मतलब ये रोना स्टार्ट करने वाली थी, इसलिए मैं इसके पास आ गई। स्टैंड अप। हेलो प्रीशु, हाय, हाउ आर यू? हेलो, अच्छा से हाय प्रीशु, से हाय बेटू। अच्छा आप खड़े होके दिखा दो। हेलो प्रीशु, ये ना अभी देखिए थोड़ा थोड़ा खड़े होने की कोशिश करती है, पर ये ठीक से ना अभी देखिए ठीक से भी इस बैलेंस नहीं कर पा रही, और अभी ये हाथ छोड़ के अभी खड़ी हो गई है। आ जाओ। ये प्रीशु भी मेरी गोद में आ गई है और इसका रिएक्शन, तो इसका ध्यान ना इधर नहीं है, इसका ध्यान अपने क्राइम्स में है अभी, इसलिए अभी वो गए हैं किसी काम से बाहर। तो अभी देखिए ये ना अभी मेरे पास ही आ रही है, तो अभी अब मैं सोच रही हूँ मैं कैसे, मतलब अपना चाय बन पाएगी और ना ही मेरा पनीर बन पाएगा, तो जब तक ये आराम से शांति से नहीं बैठेगी, तो चलिए मैं इसको फिर से एक बार ट्राई करती हूँ बाहर सोफे में बैठाने का। प्रीशु, प्रीशु। चलिए मैं एक बार सोफे में इसको ट्राई करती हूँ। प्रीशु सिट डाउन बेटा। फिलहाल मैंने उसको अभी बिठा दिया है और ये देखिए फिर से रोने। नो नो बेटू, नो नो प्रीशु, नो प्रीशु, नो प्रीशु, ओ नो 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 नो, ये देखिए क्या करने वाले, ये देखिए ये सारे घर का सामान ऐसे ही नीचे गिरा देती है। ये देखिए अभी से ही ये देखिए नीचे इसने गिरा दिया, सारे घर में ये ऐसे ही सारा सामान फैला देती है। और अभी देखिए इसके कितने सारे टॉयज मैंने उधर रखे हुए हैं, तो अभी इसको जो भी सामान दिखेगा ना ये सारा सामान नीचे गिराएगी। ये देखिए इसका उतरने का स्टाइल, तो ये ऐसे उतर गई है नीचे और अभी ये सीधा आएगी मेरे पास। अच्छा आ जाओ, कम, नो डोंट क्राई, क्यों रोती है? ये आ गई है प्रीशु। प्रीशु मैं चाय बनाने चली जाऊं, मुझे भी पनीर बनाना है, प्रीशु को तो पनीर पसंद है, पनीर प्रीशु पनीर खाती है, चलो मैं जा रही हूँ, ठीक है प्रीशु। लास्ट टाइम जो मैं ग्रोसरी का सामान लाई थी ना, वो भी मेरा एज इट इज अभी रखा हुआ है, मेरे को अभी वो भी लगाने का टाइम नहीं मिला है। और मेरे पीछे ना, और मेरे पास ना बहुत सारे, देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से, ये देखिए मेरे पास कितने सारे जो मीशो से मेरे पास सामान जो आया है ना, जो मैंने ऑर्डर किया था, कुछ मीशो से है कुछ फ्लिपकार्ट से है, तो ये भी मुझे इसका एक सेपरेट ब्लॉग बनाना था, बट मुझे अभी आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और इवन ये ना कम से कम 1 वीक से ज़्यादा हो गया ये सामान रखा हुआ है। और अभी देखिए एक पार्सल और आया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला एक पार्सल है, इसमें एक्चुअली किचन कंटेनर मैंने मंगाए थे, और ये अभी ग्रॉसरी का सामान है जो एज इट इज रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं किचन में काम कर रही थी तो मुझे याद आया प्रीशु को मैं जैम्स दे देती हूँ, तो देखिए मैं उसको दे रही हूँ। और ये एक चेयर ना मैंने प्रीशु के लिए ली थी, बट प्रीशु इस पर बैठती ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने इसको इसलिए जैम्स लिया ना क्योंकि इसने जैम्स का खाली रैपर पता नहीं कहाँ से उठा लिया, तो मेरे पास ये जेम्स रखी थी और हम ना इकट्ठे ही जेम्स ला के रख देते हैं, ताकि ला मैं इसको ओपन करके देती हूँ। ये लो देखो मैं देती हूँ प्रीशु, देखो देखो
ये लो। अब देखिए मैंने इसको दे दिया, ये आराम से बैठ के खाएगी। तो मैं चलती हूँ अभी फ्रिज में वापस, और मेरे पास ना ये जो दूध देख रहे हैं ना, तो मुझे इसी से पनीर बनाना है। तो मेरे पास एक ये दूध रखा है, ये वाला दूध जो है ये आज का है, ये दूध का मुझे पनीर बनाना है। और एक मेरे पास ना और थोड़ा सा दूध रखा हुआ है, तो ये देखिए एक ये भी इतना दूध है। तो मुझे इन दोनों दूध से ही पनीर बनाना है। तो आप देख सकते हैं, तो मैंने कढ़ाई रख ली है, मैं गैस ऑन कर देती हूँ अभी। तो ये देखिए आज मैं ना कढ़ाई में ही सोच रही हूँ बनाने के लिए, और कढ़ाई में मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि ना मुझे लग रहा था कि दूध थोड़ा ज़्यादा है, और जैसे दूध जिस बर्तन में मैं गर्म करती हूँ उबालती हूँ तो वो कहीं छोटा ना पड़ जाए, और उसको ना मतलब मुझे थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा मुझे चाहिए था ताकि दूध अच्छे से मतलब उसको चलाने में ईजी हो, उसको उबलने में मतलब अच्छे से उसमें उबाल आ जाए। तो इसलिए दूध ज़्यादा होने की वजह से मैंने इसको आज कढ़ाई में बनाया। तो यहाँ पर ना मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी बर्तन में बना लीजिए, बस मेन तो है आपका दूध उबाल के आपको उसको अच्छे से फाड़ना है। तो मैंने ना इसके लिए एक अलग से सेपरेट व्लॉग बनाया है, जो मैंने होममेड पनीर कैसे बनता है, इवन डेयरी से अच्छा, बाज़ार से अच्छा जो पनीर होता है ना वो आप अपने खुद के घर पर बना सकते हैं। तो उसके लिए तो मैंने अलग ब्लॉग शेयर किया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पर ना मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया है, यहाँ पर तो भी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मैं दिखा रही हूँ। तो अगर आपको ना छोटी छोटी दो तीन बातें हैं उसका ध्यान रखना होता है, तो आपका पनीर बहुत ही अच्छा बनेगा। और यहाँ पर ये देखिए प्रीशु अभी किचन में आ गई थी, तो मैंने ना यहाँ पर उसको कुछ वुडन स्पून मैंने मंगाई थी, तो वो मैंने इसको दे रही थी। तो यहाँ पर ना वो नई नई चीज़ें, उसको कुछ भी दे दो किचन में आने मतलब जब वो आ जाती है या आने से पहले ही, तो वो किचन में ना अंदर एंटर नहीं करती, फिर वो बाहर ही उससे खेलती रहती है। तो यहाँ पर अभी अब तक मैं दूध उबलने का इंतज़ार कर रही हूँ, तो तब तक यहाँ पर देखिए मैं ना थोड़ा साइड में कुछ कुछ काम भी निपटा रही थी। तो यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले जिसमें मैं हमेशा पनीर बनाती हूँ, तो मैंने उसमें ये मलमल का कपड़ा लगा लिया है, क्योंकि इससे ना पनीर बहुत ही अच्छा बनता है और ये काफ़ी पतला रहता है, तो जब आप इसको मोड़ के रखेंगे ना तो इसमें मतलब कोई भी झंझट नहीं होता कि बहुत मोटा कपड़ा होने से आपका पनीर की जो शेप होती है ना वो बिगड़ जाती है। तो पहले मेरे पास ये कपड़ा नहीं था, तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए मैं इसको अलग से ख़रीद के लाई थी। तो अब जब भी मुझे बनाना होता है पनीर तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ। तो बस दूध में मेरा उबलने वाला है। तो आज ना मैं सोच रही हूँ, मतलब जब मैं पनीर बना रही थी ना तो मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि मैं पनीर ना बनाऊं, मैं इसका ना कुछ और आज बनाती हूं, मतलब पनीर से ही कुछ और बनाती हूं। तो देखती हूं कि क्या बनाती हूं। अभी तो फ़िलहाल दो तीन चीज़ें मेरे मन में चल रही हैं, जैसे कि मैं सोच रही थी कि स्पंज रसगुल्ला या फिर वाइट रसगुल्ला या फिर रसमलाई, तो देखती हूँ इन तीनों में से ही मैं क्या बनाती हूँ। फिलहाल तभी मैं सिर्फ मेरे मन में पनीर का ही चल रहा है कि मैं भी फिलहाल तो पनीर बना रही हूँ, आज के आगे जा रही हूँ ना रसमलाई, क्योंकि मेरा मन था कि पनीर ना बनाऊँ। तो पहले तो मैंने उसको ना पनीर बनाने के बाद उसको अच्छे से मैंने प्रेस करके रख दिया, फिर सडनली मेरा माइंड चेंज हुआ, मुझे लगा कि नहीं मुझे ना आज रसमलाई बनानी चाहिए और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो अभी देखिए मैंने ना ये यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, एक्चुअली मैंने वो पनीर फाड़ने के बाद ना उसको अच्छे से स्ट्रेन करके उसको दबा के रख दिया था किसी हैवी वेट से, वो मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि प्रीशु ना बीच में थोड़ा सा रोने लगी थी। तो वो एक्चुअली प्रोसेस बहुत जल्दी करना पड़ता है, दूध जैसे ही फटता है आपको एक दो मिनट के अंदर अंदर ही ना उसको अच्छे से धो के और स्ट्रेन करने के बाद उसको धो के और आपको दबा के रखना पड़ता है। तो फिर मैंने बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं था क्योंकि प्रीशु ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो अभी फ़िलहाल तो उसके पापा आ गए हैं, तो फिलहाल मैंने ये जैसे बताया था अपने ब्लॉग के स्टार्टिंग में कि मुझे चाय भी बनानी थी, तो अभी देखिए मैं चाय भी बनाऊंगी। और फिलहाल तो मैं क्या कर रही हूँ ना, रसमलाई जैसे मैंने बताया कि मैं बना रही हूँ, तो उसके लिए ना कुछ भी नहीं करना, इवन मेरी तो ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो गई थी, इवन मुझे लगा कि इससे जल्दी कोई मिठाई शायद ही बन सकती क्योंकि ये बहुत ही झटपट बन गई थी। तो यहाँ पर ना भी मैं इसको अच्छे से नीट कर रही हूँ, इससे क्या होता है आप उसको मसल मसल के ना इसको चिकना कर लीजिए, इसमें ना कोई भी दाने जैसा फील नहीं होना चाहिए, मतलब आपको बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम आपको हाथ में इसे आप ले रहे हैं इसको, आप थोड़ा सा प्रेस करके देखिए कि अच्छी से इसमें बाइंडिंग आ रही है या नहीं। आपको ओवर नहीं करना है इसको, ओवर नहीं इसको
मतलब मसलना है अच्छे से, क्योंकि ना आप अगर इसको ज़्यादा नीड कर देंगे तो इससे ना इस थोड़ा सा इसमें घी अलग होने लगेगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इसमें कोई भी दाना ना रहे। तो जब इसमें कोई भी दाना नहीं रहेगा, ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। तो तब आप इसको अच्छे से थोड़ा हाथ में लेके ऐसे बाइंड करके देखिए, अगर इसको अच्छे से मतलब आपके हाथ में अच्छी सी बाइंडिंग आ रही है तो ये ठीक है, मतलब इससे आपकी रसमलाई बन जाएगी। तो यहाँ पर ना ये अभी आ गए थे जैसे मैंने बताया था, तो अभी प्रीशु को गोद में लिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पर ना बोल रही थी कि प्रीशु को थोड़ा पानी पिला दीजिए, क्योंकि ना ये काफ़ी देर से जैसे रो भी रही थी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो अभी ना ये क्या करती है, ठंडा पानी ये नहीं पीती है, इसको स्टार्टिंग से ही ना गर्म पानी पीने की आदत है, ये हर चीज़ गर्म ही खाती है। अगर हम इसको कुछ भी ठंडा दे देंगे, इवन खाना भी अगर कुछ भी हम खाते हैं तो ठंडा ये बहुत ही कम खाती है, और पानी तो ये बिल्कुल ही मुंह भी नहीं लगाती है ठंडे पानी में। तो फिलहाल देखिए अभी जब तक वो उसको रख रहा है ना, तभी मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो मैं आराम से अपना काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने दो बर्तन रख लिए हैं, तो एक तरफ मैंने ये भिगोना रख लिया है, तो इसमें ना मैं सिर्फ चीनी डालूंगी और उसमें ना मुझे पानी डालना है। तो इतना डालना है कि आप अपने पनीर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपका पनीर कितना है और उससे कितने आपके जो पेड़े बनेंगे वो कितने बनेंगे और अच्छे से चाशनी में डूब जाएंगे। आपको प्रॉपर चाशनी नहीं बनानी है, आपको सिर्फ चीनी और पानी को मिक्स करके उसमें ना वो पेड़े डाल के उसको सिर्फ पकाना है। आप 20 से 25 मिनट उसको पका सकते हैं तो आपके अच्छे से वो पक जाएंगे। तो इसको ना, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, तो मैं डिटेल में ना अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने ये कैसे कैसे आगे, इससे जो आगे का प्रोसेस है मैंने कैसे किया। फिलहाल तो अभी देखिए मैंने चीनी और पानी रख दिया है, तो अच्छे से बस चीनी मेल्ट हो जाए तो आप उसमें अपने पेड़े बना बना के और इसमें आप पका सकते हैं। तो फिलहाल देखिए ये मेरा पनीर है, काफी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इसके आगे की डिटेल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।